हेलो फ्रेंड, सक्सेस ब्लर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक रहेगा डीएमआरसी सीआरए से रिलेटेड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएमआरसी सीआरए का रिजल्ट आ गया है, लोगों के मन में बहुत से डाउट्स हैं, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड रहेगा, क्लियर योर डाउट्स, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या डाउट्स मन में आ रहे हैं कैंडिडेट्स के। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जितने भी आपके नए नोटिफिकेशन या जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हमारे चैनल्स पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डाउट्स में हमने एक पहला रखा है कट ऑफ का, दूसरी बात करेंगे आरटीआई की, तीसरी बात करेंगे मेडिकल की, एंड चौथी बात करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट की, और पाँचवीं बात करेंगे कास्ट सर्टिफिकेट की, ठीक है फ्रेंड। तो इन पाँच टॉपिक से रिलेटेड हमने इस वीडियो को बनाया है। पहले बात करते हैं कट ऑफ की। देखिए फ्रेंड, इसमें मैं साफ साफ मेंशन किया है, डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अभी तक कट ऑफ का किसी को आइडिया भी नहीं है क्या कट ऑफ कही है। किसी को ये भी आइडिया नहीं है कि ऑब्जेक्शन जो पर्सन्स ने दिए थे वो क्या सारे के सारे ऑब्जेक्शन सही हो गए या नहीं हुए, ठीक है। इसके बारे में किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हर कोई अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बता पा रहा है, ठीक है। तो आप मिसगाइड मत होइए, ठीक है। आपको ऐसे वेबसाइट्स पे ऐसे इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि जिसमें कैंडिडेट बोल रहा है कि मेरे 33 मार्क्स ओबीसी कैंडिडेट में हैं और वो क्लियर है, ठीक है, और 40 मार्क्स वाला क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसमें मिसगाइड मत होइए, हो सकता है कि उसके ऑब्जेक्शन जो थे, जो उसके सेशन के बैच टाइम पे जो भी उसके ऑब्जेक्शन रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है कि वो ज़्यादा रहे होंगे और उसके सही हो गए हों, ठीक है। तो इट मे बी पॉसिबल, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से मिसगाइड मत होइए। और दूसरी बात रही कट ऑफ की, देखिए जो भी कट ऑफ इसकी गई है काफ़ी हाई गई है, ठीक है, कैंडिडेट्स के जो लास्ट टाइम से सोचा था, ठीक है, उससे काफ़ी ऊपर गई है। मात्र इस बार ये नहीं हुआ है कि ओवरऑल कट ऑफ ऊपर गई है, ओवरऑल कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नहीं गई है, जनरल की कट ऑफ भी ओवरऑल 40 से 43 या 44 के आसपास ही गई है, ठीक है, इससे ऊपर नहीं गई है। जो कट ऑफ गई है हाई, वो गई है सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट पेपर फर्स्ट की 30+ कट ऑफ गई है, ठीक है। एचसीएम बात करें अगर इंग्लिश की, तो उसमें अभी 7+ कट ऑफ गई है आउट ऑफ 15, ठीक है। तो इसीलिए आप कट ऑफ के लिए या तो क्या कीजिए, या तो अगर आपको ज़्यादा है तो आप उसे कहते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है, सभी लोग अपनी अपनी कट ऑफ के बारे में, नहीं तो आप इसके बारे में कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, साइको की प्रिपरेशन करना शुरू करें, ठीक है। और अगर कोई अगर किसी और एग्ज़ाम में बिजी है तो भाई वो और एग्ज़ाम भी दे सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अभी साइको टेस्ट की डेट भी आने वाली है, लेकिन मैं तो गाइड यही करूँगा कि आप साइको टेस्ट पर थोड़ा लगिए। दूसरी बात करेंगे आरटीआई की। देखिए फ्रेंड, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको यू कैन फाइल योर आरटीआई रिगार्डिंग योर मार्क्स एंड कट ऑफ ऑफ सीआरए, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ डीएमआरसी की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। आप डीएमआरसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो ठीक है, उसके बाद आपको राइट हैंड साइड में एक आरटीआई का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आप वहां से अपनी आरटीआई को फाइल कर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको आपके 10 रुपीस लगेंगे, अदरवाइज़ आपकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो देखा गया है, जो भी सर्टिफिकेट सेंटर स्टेट के या जो भी पीएसयूज के जो देखे गए हैं कि रिप्लाई जो आए हैं, अगर आप बात करेंगे कट ऑफ और मार्क्स रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है, तो इसीलिए क्या है कि इट मे बी पॉसिबल कि जो आपको उसका आंसर अभी नहीं मिले, जब आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए उस पोस्ट का, तब आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो आरटीआई को फाइल कर दें, आपका रिप्लाई अभी कुछ इस तरीके से मिलेगा कि अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आपको बाद में रिप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस ख़त्म हो जाए देन उस समय भी आप आरटीआई फाइल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार करिए, दो बार कीजिए, 10 बार कीजिए आरटीआई फाइल, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पे आपको 10 रुपीज़ करने हैं, ठीक है, बाकी सिस्टम इस तरीके से चलता रहता है, ओके फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। अगर हम बात करें, ये मैंने ईयर वाइज दिया हुआ है कि कैंडिडेट्स के रिप्लाई आ रहे थे, वो क्वेरीज आ रही थी कि सर एससी एसटी कैंडिडेट्स का क्या मतलब कि कितने साल की वैलिडिटी होती है, ठीक है, क्या रहता है।
तो मैं आपको जैसा बता दूं, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनका सर्टिफिकेट बस ये होना चाहिए कि अब जैसा कि आप लोग जानते हैं सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन कोई भी कहीं से भी देख सकता है, तो बस उतना ही आपका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 1995 या 1990 का आपका सर्टिफिकेट हो आप इस समय क्लेम करें, ठीक है, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि 2010 के आसपास का हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी की बात करें तो देखा अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन इस तरीके से नहीं दी है, लेकिन एससी बाई टीओ के टाइम पे बोल दिया गया था, ठीक है, साफ साफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आ गया था कि 1 ईयर वैलिडिटी होगी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट की बात करते हैं कि इसमें आप किस लेवल का सर्टिफिकेट बनवाएंगे, ठीक है, एक आपका स्टेट का होता है, ठीक है, और एक आपका होता है सेंट्रल का, ठीक है, तो आप क्या कीजिए सेंट्रल का बनवाइए, ठीक है। ऐसा मत कीजिए कि आप यूपी के हैं या बिहार के हैं और आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेके चले जाएं, ठीक है। अभी तक तो सुनने में आया था कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन आप ऐसी गलती मत कीजिएगा, हो सकता है कि लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स की वजह से वो स्टेट कैंडिडेट्स के सर्टिफिकेट को हटा ही दें, ठीक है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा के लेके जाइए। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। देखिए फ्रेंड, आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स में बहुत क्यूरीज है, ठीक है, पर्सन्स के समझ में नहीं आता है कि उनकी आई वीक हैं तो क्या करना चाहिए उस कंडीशन में। फ्रेंड, अगर आप नोटिफिकेशंस को अच्छी तरह से उठा लें, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से पढ़ें, तो उसमें साफ साफ कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। देखिए इस पर देख लीजिए आप, फॉर द पोस्ट ऑफ द SCYTO एंड CRA द सिलेक्शन मेथोलॉजी विल कंप्राइज 4 stages, रिटन टेस्ट, साइको टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू फॉलो बाय मेडिकल एग्जामिनेशन A1, ठीक है, A1 कैटेगरी, ठीक है। DMRC का कहना ये है कि हम लोगों को A1 कैटेगरी इसलिए चाहिए क्योंकि 3 साल बाद कैंडिडेट्स ऑटोमेटिकली SCYTO के लिए एलिजिबल हो जाता है और उसको वो पोस्ट दे दी जाती है, ठीक है, तो इसी वजह से A1 कैटेगरी आपकी हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। A1 कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आपकी 6x6 विदाउट ग्लासेस, ठीक है, और दूसरी बात, पर्सन्स के मन में क्वेरीज है कि क्या वो लैसिक लेंस वगैरह या कुछ भी इस तरीके से लगा के मेडिकल को क्लियर कर सकते हैं, तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। जो मेडिकल एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है नोटिफिकेशंस के अंदर, ठीक है, आप उसको भलीभांति ढंग से पढ़ सकते हैं। ऑल कैंडिडेट शैल हैव टू अंडरगो द मेडिकल फिटनेस मीट द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब बाय DMRC फॉर वेरियस पोस्ट, एक्सपेंसेस फॉर द फर्स्ट टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी बॉर्न बाय DMRC, ठीक है। अगर जैसे कोई अगर पहला मेडिकल होता है तो DMRC बॉर्न करती है, लेकिन कोई कैंडिडेट ये चाहता है कि मैं अभी ना ज्वाइन करके, ठीक है, बाद में कभी ज्वाइन करना चाहूँ, ठीक है, किसी वजह से वो उस टाइम पर ज्वाइन नहीं करना चाहता है, तो उस कंडीशन में मेडिकल का एक्सपेंसेस जो है वो कैंडिडेट्स को देना होता है, ठीक है। बात करते हैं लैसिक वगैरह की और लेंस वगैरह की, तो आप अगर इसको ढंग से इस लाइन को पढ़े हैं नोटिफिकेशंस की, तो इसमें साफ साफ मेंशन दिया गया है, कैंडिडेट्स हैविंग अंडरगोन लैसिक सर्जरी आर नॉट सुटेबल फॉर एनी पोस्ट एक्सेप्ट अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, तो आप अपना पैसा इसमें बर्बाद ना करें, ठीक है, लैसिक सर्जरी करा के, ठीक है। आप इससे अच्छा क्या है कि आप दूसरे पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप अगर इस पेपर को, चलिए मान लीजिए आप साइको को क्लियर कर जाते हैं या किसी दूसरे इंटरव्यू तक को भी क्लियर कर जाते हैं, लेकिन आपका जब मेडिकल क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको बड़ा दुख होगा इस बात का कि आपने उसे कहते हैं इसके लिए इतना वेट किया और उसके बाद आपका मेडिकल नहीं हो पाया, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको, ठीक है। इससे अच्छा क्या है, आपको जो ठीक लगे, मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं साइको दूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप लोग इस एग्जामिनेशन को फिर स्किप कीजिए, आप दूसरे जो SSC CGL का, ठीक है, उसके बाद IPS PO का, इस तरीके से काफ़ी एग्जाम्स हैं, ठीक है, तो उस पर फोकस कीजिए, वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। बाकी आप लोग खुद ही जानते हैं आपको क्या करना है, वो आप कीजिए, ठीक है फ्रेंड। इसमें नेक्स्ट है, उसे कहते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस वुड जज डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ नॉलेज स्किल्स कॉम्प्रेहेंसिव एप्टीट्यूड एंड फिजिकल फिटनेस, कैंडिडेट विल हैव टू पास थ्रू ईच स्टेज सक्सेसफुली इंक्लूडिंग मेडिकल, ठीक है, तो मेडिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर बींग एडजस्ट एज सुटेबल फॉर सिलेक्शन, कैंडिडेट हु फेल इन द प्रिस्क्राइब मेडिकल टेस्ट विल नॉट बी गिवन एनी ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसीजन ऑफ द कॉर्पोरेशन इज फाइनल ऑन दिस इशू, ठीक है,
तो आपको आई थिंक ये मेडिकल से रिलेटेड आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट की। देखिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपका जो होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्सेज ऑफ ए मिनिमम 6 वीक ड्यूरेशन, ठीक है, 6 वीक का होना चाहिए। बात दूसरी बात यह है कि जो नोटिफिकेशंस की डेट थी, ठीक है, उस डेट से पहले का ही अगर आपका बन सकता है वो बेटर है, ठीक है। बात करते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट बीटेक सीएस या आईटी है, उसे कोई इशू नहीं है, वो आराम से जाए, ठीक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर जैसे कोई बीटेक कैंडिडेट है और किसी दूसरी उसका है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, ठीक है, रूल्स ये कहते हैं कि उनके फर्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है जो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सर्टिफिकेट की उन्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, और अगर वो ना भी बनवाए तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं सक्सेस मिलर का ऑनर होते के कहते मैं आपको बोलता हूँ कि उसकी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो सके तो आप उसे कहते हैं आप बनवाइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर कहीं से बन सकता है तो आप इसको बनवाइए, ठीक है। सॉरी फॉर डैट, थैंक यू आ गया है, ठीक है। आई थिंक मैं सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दिए हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है, आपको सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी क्वेरीज हो उसे कमेंट बॉक्स में रखिए, ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, तो चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।